क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। अभी मैं आ गया हूँ हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां में। यहाँ पे RRTS का स्टेशन बन रहा है तो इसको हम कवर करेंगे और यहाँ पे किन चीजों को लेके बहुत परेशानी आ रही है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। चले चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली के बाद हजरत निजामुद्दीन दिल्ली का तीसरा सबसे बिजिएस्ट एरिया है, सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो भी है और RRTS भी आ रहा है यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो कि हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां में RRTS का रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो स्टेशन होगा इसकी कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन से भी होगी, बस स्टैंड से भी होगी और मेट्रो स्टेशन से भी होगी। यहाँ पे एक मल्टी हब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। दोस्तों उसको बनाने के लिए इसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। यहाँ पे सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया होने के कारण यहाँ पे जगह की बहुत कमी हो रही है। मोस्टली देखोगे इस एरिया में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करना है इसको, मेट्रो से कनेक्ट करना है और बस स्टैंड से कनेक्ट करना है, जिस कारण से इसकी कनेक्टिविटी को एक करने के लिए जितनी जगह चाहिए वो RRTS को मिल नहीं पा रही है। तो दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट किया है, एक पत्र लिखा है, इसके कारण कुछ जमीनें उसको अलॉट हो पाए और वो अपना सारा काम कर पाए। दोस्तों ये सामने आप देख पा रहे होंगे यही स्टेशन है हजरत निजामुद्दीन सराय काले खां का RRTS का जो स्टेशन होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा जो रैपिड रेल मेट्रो जो है यहाँ पे दिल्ली और मेरठ के बीच में, तो उसमें सबसे बड़ा जो रैपिड रेल का जो स्टेशन है वो सराय काले खां का बनने वाला है। तो आप देख सकते हो बहुत तेजी से ये काम चल रहा है, बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ इसको बनाया जा रहा है। आने वाले समय में ये जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा और इसी की मैं बात कर रहा था, यहाँ से कनेक्ट करने के लिए सारी कनेक्टिविटी होने वाली है। लेकिन अभी RRTS को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में देखते हैं किस तरीके से वो इस सारी परेशानियों को हल कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो ये डिजाइन भी देख सकते हो बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन, बहुत ही शानदार तरह का ये डिजाइन बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जो मल्टी हब ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें रेलवे स्टेशन जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है उसको RRTS रैपिड रेल जो स्टेशन है सराय काले खां का उससे जोड़ना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि उसके लिए जो जगह है प्रॉपर जो है वो नहीं मिल पा रहा है। RRTS ने नगर निगम से कहा है कि जो एक बस स्टैंड वाला जो जगह है वहाँ पे जो बस स्टैंड है वो जगह खाली हो जाए, बस स्टैंड दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, जिसके कारण वो जगह मिलने से वो एक ओवरब्रिज बना पाएंगे। बहुत से लोगों को आने जाने में स्टेशन तक बहुत दिक्कत होती है। उसका मेन कारण है कि जब भी लोग स्टेशन की तरफ जाते हैं तो रोड के दोनों साइड में छोटी छोटी दुकानें हैं, जिसके कारण रोड बहुत कंजेस्टेड हो जाता है और लोगों को आने जाने में बहुत सी दिक्कतें होती है। तो ये सारा चीज़ जो मैनेजमेंट है, जो RRTS की मैनेजमेंट जो ये सारा कुछ मैनेज कर रही है, उन्होंने इस पे ध्यान दिया है, वो सॉल्यूशन करने की तरफ देख रहे हैं। तो आई होप उनको ये जगह मिल जाए जिससे कि एक फुट ओवरब्रिज बन पाए और रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट RRTS तक पहुंच जाए। तो इसी तरीके से मेट्रो से भी किया जा रहा है, तो आने वाले समय में ये सारी कनेक्टिविटी हो जाए, आई होप हम सब इसमें ट्रेवल कर पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं इंडिया में रेलवे को बहुत ही कन्वीनियंट बनाने के लिए और एक स्टैंडर्ड लेवल का रेलवे ट्रांसपोर्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। तो ये जो RRTS का जो प्रोजेक्ट है वो इसीलिए लाया गया है। जो ट्रेनें हैं बहुत फास्ट ट्रेनें चलेंगी, 180 की स्पीड से ट्रेनें चलेंगी। तो ये सारा दिल्ली से मेरठ की लाइन होने वाली है। तो अभी कुछ ही दिनों में जब सारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद ये पूरा लाइन चलने लगेगा। इसके बाद दिल्ली से अजमेर तक का भी रैपिड रेल के लिए काम चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।